हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा एडोब फोटोशॉप का जेनरेटिव फिल वाला ऑप्शन आपने किस तरह लाना है। एडोब फोटोशॉप के अंदर आपने सबसे पहले क्रोम पे चले जाना है। क्रोम पे जाने के बाद वहाँ पे सर्च करना है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप आगे आपने लिखना है फाइल सी आर। ये आप जिस तरह देख सकते हैं एडोब फोटोशॉप फाइल सी आर आपने सर्च करना है। ये पहली साइट अभी देख सकते हैं, ये पहली साइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये देख लें, ये देखें, ये देख सकते हैं आप जिस तरह फोटोशॉप डाउनलोड फोटोशॉप और डाउनलोड फायरफ्लाई। हमने डाउनलोड फोटोशॉप कर लेना पहले। ये हमने डाउनलोड पे दिखा दिए। सो देखिए यहाँ पे हम क्लिक टू डाउनलोड, सो क्लोज करते हैं। ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन हो गया डाउनलोड, सॉरी ये हमने करना है। डबल क्लिक करते हैं इसको, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। देखें अब एडोब फोटोशॉप 2023 डाउनलोड 64 बिट का, इसको सेव करते हैं। ये हो रही है, ये देखें 4.2 GB का है, 4200 MB मतलब। इसको डाउनलोड पे लगा दिए, इसके साथ ही हम लगा लेते हैं ये, इसको बैक जाते हैं। एडोब फोटोशॉप को डाउनलोड पर किए, इसके बाद करते हैं पहले एडोब फोटोशॉप को करना है, फिर हमने डाउनलोड फायरफ्लाई इसको डायरेक्ट डाउनलोड क्लिक किया। सो यहाँ पे जेनरेटिव फिल सक्सेसफुल हो गया है। इसका पासवर्ड यहाँ देख सकते हैं 123 है, और एडोब फोटोशॉप जो हमने डाउनलोड किया है उसका भी पासवर्ड 123 है। इसको डाउनलोड करते हैं, एडोब फायरफ्लाई सेव, देखें डाउनलोड पे लग गई है। तो अब डाउनलोड का वेट करते हैं, वीडियो को पॉज करते हैं, उसके बाद जैसे डाउनलोड होती है तो अगला सेटअप करते हैं। जी पीसी रिस्टार्ट हो गया, अब हम ओपन करते हैं। जी अब हमने जाना है माई फाइल्स में, फाइल्स में जाने के बाद जाना है डाउनलोड में। डाउनलोड में जाने के बाद फायरफ्लाई इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। पासवर्ड ये हो गया है। अब हमने जाना है एडोब फोटोशॉप, ये देखें इसको नहीं, इसको हमने जाना था एडोब फोटोशॉप, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे एडोब फोटोशॉप 2023 पे क्लिक करने के बाद ये सेटअप को हमने कर देना है। एक मिनट, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर इसको यस करते हैं। ये देखें फोटोशॉप इंस्टॉल पे लग गए। लोकेशन कंटिन्यू कर देते हैं। सॉरी इंस्टॉलेशन फेल, अच्छा तो इसको कंटिन्यू करते हैं। ये कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए इंस्टॉलिंग हो रहा है एडोब फोटोशॉप 24.7। जिस तरह मैंने स्टेप किए आपने सेम टू सेम वैसे ही करनी है, आपका ये जेनरेटिव फिल आ जाएगा। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, सो वेट कर लेते हैं। तब तक आपने मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में लाजमी बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अगर आपको बीटा वर्जन ही चाहिए वो भी अवेलेबल है, वो बिल्कुल फ्री में दे दूंगा अब अपने सब्सक्राइबर्स को। डायरेक्ट बीटा वर्जन, ये तो जनरेटिव फिल लाने के लिए किया ना। देखें ये क्लोज और लॉन्च, हमने इसको क्लोज कर देना है। सो अब जाने ये चलते हैं।
ये डॉव, इस पे हम क्लिक करते हैं। सो पहले करते हैं पिन टू टास्क बार, ये देखिए शो हो गया। आई थिंक हमने पहले फायरफ्लाई को कर लिया है। देखें ये एडिंग अडोब फायरफ्लाई सपोर्ट कंप्लीट इंजॉय, ये फायरफ्लाई अडोब उसमें ऐड हो गया है। समटाइम ये इस तरह का बना आता है, कभी कभी नहीं आता, आपने अपनी तसल्ली कर लेनी है इस तरह। या ये मैं आपको बताता हूँ कैसे गया। ये जो फायरफ्लाई को हमने ये डाउनलोड किया हुआ था, इसको एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फाइल बन गई। फाइल बनने के बाद यहाँ पर जाना है, इस पर क्लिक करने और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देने, बस इतनी सी बात है। अब फोटोशॉप को ओपन करते हैं। जी ये फोटोशॉप ओपन हो गया। सो कोई इमेज न्यू फाइल आई थिंक ओपन करते हैं ऑन योर कंप्यूटर। इसको यहाँ पे कोई फ़ोटो डाउनलोड की है तो इसको यहाँ पे ले आते हैं। जिस तरह ये देखें जेनेरेटिव फिल का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, रिमूव बैकग्राउंड, और ये आपको मैं दिखा दूँ। हेल्प पे अबाउट फोटोशॉप, ये 24.7 है, आप देख सकते हैं जो वहाँ, यही आपने डाउनलोड करना है 24.7। आई थिंक इसमें विंडो पे जाएंगे, विंडो पे जाने के बाद नीचे एक कॉन्टेक्चुअल टेक्स्ट बार, ये इस पर ना आपने चेक कर देना है, अगर ना ही आपका बना तो फिर ये ऑप्शन नहीं आएगा जेनेरेटिव फिल का, इसको आपने क्लिक करना है। अगर आपको नहीं बना रहा तो इसको हम इसका यूज़ करते हैं। ये तो कोई रैंडमली सी पिक उठा ली है मैंने, इसको जेनरेटिव फिल से देखते हैं क्या होता है। एग्री करते हैं जनरेट। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। जी ये देखें बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त है, इसने कोई वेट को क्रिएट कर दिए फोटोज़, ये आप देख सकते हैं। मुझे वो ये पहले वाला बेस्ट लगा है। वीडियो अच्छी लगी वो लाइक करें, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई समझ नहीं आती बात की, मेरे इंस्टाग्राम पर रब्ता करें या व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और 360 हसीब को लाजमी फॉलो कीजिएगा।